करतारपुर ब्लॉक पर भारी पुलिस बल तैनात के न्यूज के न्यूज संवाददाता ने ब्लॉक पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आज 11 बजे शुरू होगा और 3 बजे समाप्त होगा। उसी को लेकर अगर हम बात करें जनपद बुलंदशहर की, तो जनपद बुलंदशहर में करीब 9 ब्लॉकों पर निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनना लगभग तय हो चुका है और 7 ब्लॉकों पर ब्लॉक प्रमुख के लिए घमासान छिड़ा हुआ है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं शिकारपुर ब्लॉक पर, जहाँ पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है। देखिए, हमारे कैमरामैन वो चारों तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात है, तो उसको लेकर हम कह सकते हैं कि पुलिस ने प्रमुखी का चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयारियां कर ली हैं और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी जो कोई भी किसी तरह का असामाजिक तत्व कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना कर सके, उसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। यहां देखिए, काफ़ी अधिकारी मौजूद हैं, SP क्राइम, SDM, CO, तहसीलदार, यहाँ सभी अधिकारियों ने पूरी तैयारियाँ करते हुए ब्लॉक प्रमुख के गेट पर और चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। अब देखना यह होगा जो 11 बजे से जो लगातार जिस तरह से कयास किए जा रहे थे कि BDCO के अपहरण की बात आ रही थी, प्रमुख प्रत्याशियों की बात आ रही थी, अब उसको देखकर देखते हैं प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की हैं और किस तरह प्रशासन जो 3 बजे तक चुनाव होना है उसको लेकर किस तरह से पूरी चुनाव को करा पाएगा। अनिल मीना, KNews India, बुलंदशहर। और इस वक्त लखनऊ से खबर आ रही है।